हेलो दोस्तों, आपका मेरे यूट्यूब चैनल में एक बार फिर स्वागत है। और बेसिक्स ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो कि हम पिछली कुछ लेक्चर्स में कवर कर रहे थे, आज इसका आखिरी लेक्चर है। और पिछले कुछ लेक्चर्स में जो हमने सीखा, जो नहीं सीख पाए वो हम इस लेक्चर में सीखेंगे। इस लेक्चर में हम सीखेंगे दोस्तों कि थर्मोडायनेमिक्स इक्विलिब्रियम क्या होता है। उसके बाद हम पढ़ेंगे ज़ीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के बारे में। इसके बाद हम पढ़ेंगे रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल प्रोसेसेस के बारे में। और लास्ट में हम पढ़ेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ नॉन फ्लो प्रोसेसेस के बारे में। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं हमारा आज का लेक्चर बेसिक्स ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पर। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम क्या होता है। थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम क्या होता है दोस्तों, कई बार जब हमारा कोई सिस्टम किसी स्टेट वन से किसी स्टेट टू की तरफ बढ़ता है, तो उसमें क्या होता है कि उस दौरान उसकी ईच एंड एवरी स्टेट, ये स्टेट अलग होती है, 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 मतलब कहने का है कि हर पॉइंट पीवी डायग्राम में इस कर्व का हर पॉइंट एक डिफरेंट स्टेट्स को शो करता है। तो इसमें हर स्टेट पर जब ये स्टेट वन से स्टेट टू में चेंज हो रहा है, तो इसमें लगातार कुछ चेंजेस आ रहे हैं और लगातार कुछ चेंजेस आ रहे हैं, लेकिन पॉइंट टू पर पहुँचने के बाद ये एक इक्विलिब्रियम स्टेट में आ जाएगा, मतलब अब इसमें समय के साथ कोई चीज नहीं होगा। सो थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम इज डिफाइंड एज अ सिस्टम इज सेट टू बी इन थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम व्हेन देयर इज नो चेंज ऑफ स्टेट ऑब्जर्व्ड इन द सिस्टम, मतलब हमारे सिस्टम में कोई भी स्टेट में चेंज नहीं होगा, वही होता है थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं कि कितना टाइप का इक्विलिब्रियम होता है। इक्विलिब्रियम बेसिकली तीन टाइप के होते हैं, मैकेनिकल, केमिकल एंड थर्मल। मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में क्या होता है दोस्तों कि मान लेते हैं ये हमारा कोई मास m है और इस पर डिफरेंट फोर्सेस लग रहे हैं, एक फोर्स इधर से लग रहा है, एक फोर्स इधर से लग रहा है, एक इधर से लग रहा है, और इनका जो नेट इफेक्ट है वो इधर जा रहा है। सो मैकेनिकल इक्विलिब्रियम क्या होता है दोस्तों, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम इज नथिंग बट मैकेनिकल इक्विलिब्रियम किसी बॉडी का तब होता है जब उसमें सभी अनबैलेंस्ड फोर्सेस, सभी अनबैलेंस्ड फोर्सेस जीरो हो जाते हैं, मतलब कि कोई भी अनबैलेंस्ड फोर्स नहीं होता है, नेट फोर्स उसका जीरो हो जाता है, तो बॉडी को हम मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में कहते हैं। इसके बाद बात करते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम। दोस्तों केमिकल इक्विलिब्रियम क्या होता है कि जब हमारा कोई सिस्टम है, ये हमारा कोई सिस्टम है, इसमें कुछ केमिकल चेंजेस हो रहे हैं स्टेट वन से, जब ये सिस्टम स्टेट वन से स्टेट टू की तरफ बढ़ रहा है तो इसमें कुछ केमिकल चेंजेस हो रहे हैं, लेकिन जब वो केमिकल चेंजेस होना बंद हो जाएंगे तो हम कह सकते हैं कि ये जो हमारा सिस्टम है ये केमिकल इक्विलिब्रियम में आ गया है, मतलब अब इसमें केमिकली कोई चेंज नहीं होगा। इसके बाद बात करते हैं थर्मल इक्विलिब्रियम की। थर्मल इक्विलिब्रियम में क्या होता है, मान लेते हैं ये हमारी कोई सिस्टम है और ये हम उसका सराउंडिंग है, तो जब सिस्टम से सराउंडिंग में कोई स्पॉन्टेनियस चेंज नहीं होगा, कोई भी चेंज नहीं होगा सराउंडिंग से सिस्टम में, तो उस केस में हम कह सकते हैं कि जो हमारा सिस्टम है ये थर्मली इक्विलिब्रियम में है। तो ये थे दोस्तों मैकेनिकल, थर्मल और मैकेनिकल, थर्मल और केमिकल इक्विलिब्रियम्स। इसके बाद हम आगे चलते हैं दोस्तों हमारे अगले लेक्चर की तरफ, ज़ीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पे। ज़ीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है दोस्तों, when a body a is in thermal equilibrium, ये body इसके साथ thermal equilibrium में, is in thermal equilibrium with body b, और इसके अलावा यही body b body c के साथ भी, ये body b ये इस body c के साथ thermal equilibrium में है, तो according to zeroth law of thermodynamics ये जो a है वो c के साथ भी thermal equilibrium में होगा, यही कहता है हमारा zeroth law of थर्मोडायनेमिक्स। मतलब कि अगर ए बी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है और बी सी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है, तो ए और सी ये भी दोनों एक दूसरे के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में रहेंगे, ये कहता है हमारा ज़ीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। इसके बाद आता है रिवर्सिबल प्रोसेसेस क्या होते हैं। रिवर्सिबल प्रोसेसेस दोनों दोस्तों, अ थर्मोडायनेमिक प्रोसेस इज सेट टू बी रिवर्सिबल इफ बोथ द सिस्टम एंड द सराउंडिंग रिटर्न टू देयर ओरिजिनल स्टेट व्हेन प्रोसेस इज रिवर्स्ड विद नो अदर चेंज इन यूनिवर्स। इसका मतलब क्या है दोस्तों,
मान लेते हैं हमारा ये कोई प्रोसेस है जो कि वन से टू की तरफ गया था, इसका पीवी डायग्राम में ये एक प्रोसेस था जो इस स्टेट से इनिशियल स्टेट वन से फाइनल स्टेट टू की तरफ बढ़ रहा था इस पाथ के थ्रू। लेकिन ये तो प्रोसेस हो गया और इसमें चेंजेस हो गए, बट अब हमें इस प्रोसेस को रिवर्स करना है। तो अगर ये स्टेट टू से स्टेट वन में इसी पाथ के थ्रू वापस आता है, अगर ये स्टेट टू से स्टेट वन में इसी पाथ के थ्रू वापस आता है और इसमें सेम वही चीज़ें दोबारा होने लगती हैं जो जो इसमें वन से टू की तरफ आते हुए हुआ था, वही सेम प्रोसेस दोबारा होने लगता है जब ये टू से वन में जा रहा होता है, तो इसे कहा जाता है रिवर्सिबल प्रोसेस। मतलब जिस पाथ से प्रोसेस हमारा गया था उसी पाथ से वापस आएगा, इसे ऐसे प्रोसेस को कहा जाता है रिवर्सिबल प्रोसेस। इसे आप सिंपली समझ सकते हैं कि आप घर से स्कूल जिस रास्ते से गए थे, स्कूल से घर भी वापस उसी रास्ते से आएंगे, दिस इज एन रिवर्सिबल प्रोसेस। लेकिन दोस्तों सोचने वाली बात यह है कि रिवर्सिबल प्रोसेस एग्जिस्ट ही नहीं करता, ये एक आइडियल प्रोसेस है बस, इसका इट इज़ इम्पॉसिबल, और इसे सिर्फ एज्यूम किया जाता है ताकि हम थर्मोडाइनेमिक्स को और समझ सकें, उनकी उसकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकें। तो इसीलिए रिवर्सिबल प्रोसेस को यूज़ किया जाता है। बेसिकली ये हमारे चारों तरफ नहीं पाया जाता है, क्योंकि हमारे चारों तरफ जो भी प्रोसेस होते हैं वो उसमें कुछ ना कुछ स्पॉन्टेनिटी होती है, अनसर्टेनिटी होती है उसमें कुछ ना कुछ, इसीलिए जो रिवर्सिबल प्रोसेस होते हैं ये एग्जिस्ट नहीं करते हैं। हाँ, हम ये ज़रूर जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया था कि आप स्कूल घर से स्कूल मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया था कि हम घर से स्कूल जिस रास्ते से जाएंगे उसी रास्ते से वापस भी आएंगे, लेकिन इसमें यह हो सकता है, इस बात की कोई श्योरिटी नहीं है कि आपका हर एक फुटपाथ, आपका हर एक कदम उसी जगह पर पड़े जहां पर पहले पड़ा था, क्योंकि आप उसमें कुछ ना कुछ गलतियां हो जाएंगी, और इसीलिए मैंने आपको बोला कि हर प्रोसेस की रिवर्सिबल प्रोसेस एग्जिस्ट नहीं करते हैं। हर प्रोसेस में कुछ ना कुछ अनसर्टेनिटी होती है, फ्रिक्शन की वजह से हो सकती है या किसी और वजह से हो सकती है, लेकिन हर प्रोसेस में कुछ ना कुछ अनसर्टेनिटी होती है, इसलिए रिवर्सिबल प्रोसेस एग्जिस्ट नहीं करते हैं। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं इररिवर्सिबल प्रोसेसेस की। सो व्हाट आर इररिवर्सिबल प्रोसेसेस? अ थर्मोडायनेमिक प्रोसेस इज सेड टू बी इररिवर्सिबल इफ ड्यूरिंग चेंज ऑफ स्टेट सिस्टम एंड सराउंडिंग आर अनेबल टू रीच एट इट्स इनिशियल पोजीशन। मतलब कि जब भी हमारा जो सिस्टम है ये स्टेट को चेंज कर रहा है, तो ये जिस पोजिशन पे था उस पोजिशन में वापस नहीं आ पाएगा उस सेम पाथ के थ्रू, उसे ही कहा जाता है इररिवर्सिबल प्रोसेस। मतलब कि इसी डायग्राम से हम समझते हैं कि कोई सिस्टम था हमारा जो पोजीशन वन से पहले पोजीशन टू पर गया, ये जो पाथ था ये पहले पोजीशन वन से पोजीशन टू पर गया इस पाथ के थ्रू, लेकिन जब वापस आने की बात हुई इस पोजीशन से इस पोजीशन पे, तो ये इस पाथ से ना होकर कुछ ऐसे वापस आया, ये इस पाथ से ना होकर कुछ ऐसे वापस आया या ऐसे वापस आया, ये इस पाथ से ना होकर या तो ऐसे वापस आया या ऐसे वापस आया। तो दीज ऑल आर इररिवर्सिबल प्रोसेस, क्योंकि प्रोसेस में इररिवर्सिबिलिटी होती है, चाहे वो फ्रिक्शन की वजह से हो, चाहे हीट लॉस की वजह से हो, किसी वजह से हो सकती है, बट एवरी प्रोसेस हैव सम इररिवर्सिबिलिटी। हमारे चारों तरफ जो भी प्रोसेस होते हैं उनमें किसी ना किसी तरीके की इररिवर्सिबिलिटी होती है। तो ये था दोस्तों इररिवर्सिबल प्रोसेस। इसके बाद बात करते हैं दोस्तों डिफरेंट टाइप्स के नॉन फ्लो प्रोसेसेस की। मैंने आपको पहले ही बताया था कि प्रोसेस दो टाइप के होते हैं, पहला प्रोसेस दो टाइप के होते हैं। मैंने आपको पिछले लेक्चर्स में ही बताया था कि प्रोसेस दो टाइप के होते हैं, फ्लो और नॉन फ्लो। फ्लो प्रोसेसेस के बारे में हम आगे के थर्मोडाइनेमिक्स में पढ़ेंगे, एडवांस थर्मोडाइनेमिक्स में। फिलहाल हम बात कर रहे हैं नॉन फ्लो प्रोसेसेस की। तो ये डिफरेंट जो नॉन फ्लो प्रोसेसेस होते हैं, ये होते हैं आइसोकोरिक प्रोसेस, मतलब कॉन्स्टेंट वॉल्यूम प्रोसेसेस, आइसोबारिक प्रोसेस जिसमें प्रेशर कांस्टेंट होता है, आइसोथर्मल प्रोसेस जिसमें टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, और लास्ट में आता है एडियाबेटिक प्रोसेस जिसमें हीट कांस्टेंट होती है। तो एक एक करके हम इन सब के बारे में आगे की स्लाइड्स में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ते हैं आइसोकोरिक प्रोसेस। आइसोकोरिक प्रोसेस क्या होता है दोस्तों? इस प्रोसेस में वॉल्यूम कांस्टेंट रहती है। एक पीवी डायग्राम पे मैंने शो किया हुआ, ये स्टेट वन से स्टेट टू पर जब चेंज हो रहा है तो ध्यान से देखिए, वी वन इज इक्वल टू वी टू है इस केस में, वी वन इज इक्वल टू वी टू। ये स्ट्रेट लाइन आपको दिख रही है कि पी वन और पी टू दोनों की वैल्यूज अलग अलग है, पर वी वन और वी टू दोनों की वैल्यू सेम है। तो
आइसोकोरिक प्रोसेस में हमारा जो वॉल्यूम होता है वो रिमेंस कांस्टेंट रहता है, और क्योंकि हमारा जो फ्लो वर्क का फॉर्मूला था वो था डब्ल्यू वर्क डन इज इक्वल टू लाइन इंटीग्रल ऑफ पी इंटू डी वी, प्रेशर इंटू चेंज इन वॉल्यूम, और चेंज इन वॉल्यूम इसमें हमारा क्योंकि वॉल्यूम कांस्टेंट होता है तो चेंज इन वॉल्यूम जीरो होता है, तो इसलिए डी वी की वैल्यू जीरो हुई तो हमारा जो वर्क डन होता है आइसोकोरिक प्रोसेस के दौरान वो जीरो होता है। तो हम कह सकते हैं कि आइसोकोरिक प्रोसेस के दौरान, कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस के दौरान हमारा कोई वर्क डन नहीं होता है। अब क्योंकि कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस था इसमें, तो इसमें पी अपॉन टी का जो रेशियो होता है वो कांस्टेंट रहता है हमेशा, तो स्टेट वन पर पी वन अपॉन टी वन इज इक्वल टू पी टू अपॉन टी टू होता है, तो इसलिए इसमें पी वन अपॉन टी वन इज इक्वल टू पी टू अपॉन टी टू कांस्टेंट रहता है। ये होता है दोस्तों आइसोकोरिक प्रोसेस। इसके बाद हम बात करते हैं आइसोबारिक प्रोसेस की। आइसोबारिक प्रोसेस में हम प्रेशर को कांस्टेंट रखते हैं, इस केस में प्रेशर कांस्टेंट रहता है। यहाँ पर ध्यान से देखिए, वहाँ पर वर्टिकल स्ट्रेट लाइन थी और यहाँ पर हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन है, यहाँ पर प्रेशर कांस्टेंट रहता है, P1 is equal to P2 है। तो आइसोबारिक प्रोसेस में क्योंकि P1 is equal to P2 होता है, इसलिए V अपॉन T का जो रेशियो होता है वो कांस्टेंट होता है। सो एट फर्स्ट स्टेट V1 upon T1 is equal to at second state V2 upon T2, ये होता है आइसोबारिक प्रोसेस का कंडीशन। अब क्योंकि हमारा जो फ्लो वर्क डन था वो था W is equal to लाइन इंटीग्रल ऑफ पी इंटू डी वी फ्रॉम V1 to V2, यहाँ पर मैंने गलत लिख दिया दोस्तों, ये V1 to V2 होता है, यहाँ पर V1 से V2 होगा, तो लाइन और इसमें प्रेशर कांस्टेंट रहता है, तो जब इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करेंगे तो हमें जो फाइनल फॉर्मूला मिलेगा एक आइसोबारिक प्रोसेस के वर्क डन का, वो मिलेगा वर्क डन इज इक्वल टू पी इंटू वी टू माइनस वी वन। तो ये होता है दोस्तों एक आइसोबारिक प्रोसेस। ध्यान रखने वाली बात ये है कि एक पीवी डायग्राम में जो आइसोबारिक लाइन के अंडर एरिया होता है ये शो करता है वर्क डन को, तो ये जो शेडेड रीजन है ये हमारा जो इस 1-2 लाइन के अंडर है, इस वाली लाइन के जो नीचे एरिया है, ये जो पूरा एरिया होता है ये शो करता है हमारा वर्क डन। इस लाइन के नीचे का जो एरिया है ये हमारा वर्क डन शो करता है। तो पीवी डायग्राम में कर्व के अंडर जो भी एरिया होता है वो वर्क डन को शो करता है। इसके बाद हम पढ़ते हैं आइसोथर्मल प्रोसेसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस क्या होता है, इस केस में हमारा टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, और क्योंकि टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है तो इस प्रोसेस में स्टेट वन पे P1 V1 is equal to P2 V2 के इक्वल होता है, मतलब इनिशियल यहाँ पर ये पॉइंट वन था और ये पॉइंट टू था फाइनल पॉइंट, तो P1 V1 is equal to P2 V2 होता है, और इसमें जो हमारा फ्लो वर्क डन होता है, पीछे मैं आपको दिखाता हूँ, जो हमारा फ्लो वर्क डन होता है वो होता है लाइन इंटीग्रल ऑफ P इंटू डी वी। लाइन इंटीग्रल ऑफ P इंटू डी वी होता है वर्क डन इज इक्वल टू लाइन इंटीग्रल ऑफ P इंटू डी वी, P इंटू डी वी होता है, और हमारे पास यहाँ पर टेम्परेचर कॉन्स्टेंट होता है, और वी नो अकॉर्डिंग टू PV is equal to MRT होता है, और क्योंकि T कांस्टेंट होता है तो ये जो पूरा है ये कांस्टेंट में हो जाता है, तो क्योंकि ये पूरा कांस्टेंट हो जाता है तो इसलिए P1 V1 is equal to P2 V2 के इक्वल हो जाता है, मतलब PV is equal to कांस्टेंट। तो PV is equal to कांस्टेंट होता है, और सो जो P हो जाएगा वो C upon V हो जाएगा। वी नो वर्क डन इज इक्वल टू लाइन इंटीग्रल ऑफ P into dV, और यहाँ पर P की जगह ये वैल्यू रखेंगे तो ओवरऑल जो ये हो जाएगी जब हमने P की वैल्यू यहाँ पर रखी तो ये हो जाएगा P की जगह पर C upon V dV, और C upon V dV का जब इंटीग्रल लेंगे तो ये हो जाएगा C into ln और नेचुरल लॉग ऑफ V from V2 to V1। इसके बाद दोस्तों जो इसका सॉल्यूशन आ जाएगा वो आ जाएगा C into नेचुरल लॉग ऑफ V2 upon V1। तो क्योंकि जो C आया था वो हमारा इससे आया था कि P1 V1 is equal to P2 V2 is equal to constant, तो C की वैल्यू थी P1 into V1, तो जो फाइनल वर्क डन आ जाएगा आइसोथर्मल प्रोसेस में वो आ जाएगा P1 V1 into नेचुरल लॉग ऑफ V2 upon V1। तो इस तरीके से जो हमारा वर्क डन आएगा
वो दो तरीके से आएगा, या तो हम लिख सकते हैं कि वर्क डन इज इक्वल टू पी वन वी वन इंटू एल एन वी टू अपॉन वी वन, या फिर द वर्क डन इज इक्वल टू एम आर टी वन इंटू नेचुरल लॉग ऑफ वी टू अपॉन वी वन। तो इस तरीके से हमारा जो वर्क डन होगा आइसोथर्मल प्रोसेस का वो ये होगा या फिर ये होगा। तो इस तरीके से जो हमारा आइसोथर्मल प्रोसेस का वर्क डन होगा वो या तो ये होगा या फिर ये होगा, दोनों ही सेम फॉर्मूले हैं, हम किसी से भी निकाल सकते हैं। इसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं आइसो, ये देखिए आप देख सकते हैं ये आइसोथर्मल वर्क को भी हमने इस कर्व के अंडर जो एरिया है उससे दिखाया हुआ है। इसके बाद हम बात करते हैं एडियाबेटिक प्रोसेस की। एडियाबेटिक प्रोसेस कुछ नहीं होता, इसमें सिर्फ हम हीट को कांस्टेंट रखते हैं, हमारा वॉल्यूम टेम्परेचर प्रेशर तीनों चीज़ें वरी करती हैं, ये तीनों चीज़ें वरी करती हैं इसमें, लेकिन 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 जो हमारी हीट होती है ये इसमें कांस्टेंट रहती है। मतलब एडियाबेटिक प्रोसेस कब हो सकता है, जब एक आइसोलेटेड सिस्टम हो हमारा। तो एडियाबेटिक प्रोसेस तभी हमारा पॉसिबल है जब हमारा सिस्टम आइसोलेटेड हो, उसमें ना तो हीट जाए और ना ही हीट उसमें आए, ऐसा कोई प्रोसेस ना हो, तभी हमारा जो प्रोसेस है वो एडियाबेटिक होता है। अब बात करते हैं एडियाबेटिक प्रोसेस के फॉर्मूले की। तो क्योंकि इसमें पी वी और टी तीनों चीज़ें चेंजेस होते रहती हैं, तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है पी वन वी वन की पावर गामा इज इक्वल टू पी टू वी टू की पावर गामा। गामा जो होता है ये एडियाबेटिक इंडेक्स भी कह सकते हैं इसे, और ये गैस ये एक टाइप का कॉन्स्टेंट होता है। तो इसमें जो एडियाबेटिक प्रोसेस का फॉर्मूला होता है वो होता है पी वन वी वन की पावर गामा इज इक्वल टू पी टू वी टू की पावर गामा, या हम ये भी कह सकते हैं कि पी इंटू वी की पावर गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो ये होता है हमारा एडियाबेटिक प्रोसेस। अब बात करते हैं इसमें वर्क डन क्या होता है। तो दोस्तों जो एडियाबेटिक वर्क डन होता है उसका फॉर्मूला होता है पी वन वी वन की माइनस पी टू वी टू की पावर गामा माइनस वन, और इसका डेरिवेशन आप कहीं पर भी देख सकते हैं, किसी भी नॉर्मल बुक में मिल जाएगा। ये फ्लो वर्क डन जो हमारा होता है डब्ल्यू इज इक्वल टू लाइन इंटीग्रल ऑफ डी इन पी इंटू डी वी, उसी से निकाला गया होता है इसे भी। तो ये इसी फॉर्मूले से ये आएगा कि इसमें हम पी की वैल्यू वी की टर्म्स में पहले निकाल लेंगे, उसके बाद डी वी से जब इंटीग्रेट को सॉल्व करेंगे तो वो कुछ इस फॉर्म में आएगा। तो इस तरीके से इसका जो वर्क डन होता है वो कुछ इसी फॉर्मूले से निकालते हैं, पी वन वी वन माइनस पी टू वी टू अपॉन गामा माइनस वन। और इसके बाद आप देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने आइसोथर्मल और एडियाबेटिक दोनों के कर्व्स दिखाए हुए हैं, और ध्यान से देखिए जो आइसोथर्मल वर्क है ये वाला वो ज़्यादा है एडियाबेटिक वर्क से, आइसोथर्मल वर्क एडियाबेटिक वर्क से कुछ ज़्यादा है। और ये है दोस्तों, देखिए मैं दिखाता हूँ, ये है एडियाबेटिक वर्क जो कि कम है, जो ब्लू से मैं शो कर रहा हूँ वो है एडियाबेटिक वर्क, जो रेड से शो है वो है आइसोथर्मल वर्क। सो वर्क डन ड्यूरिंग एन आइसोथर्मल प्रोसेस इज ग्रेटर देन द वर्क डन ड्यूरिंग एन एडियाबेटिक प्रोसेस एट सेम इनिशियल पॉइंट्स। तो ये था दोस्तों एक एडियाबेटिक प्रोसेस। इसके बाद बात करते हैं डिफरेंट प्रोसेसेस। अभी हमने चार टाइप के प्रोसेस पढ़े, आइसोबारिक प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस, एडियाबेटिक प्रोसेस, आइसोकोरिक प्रोसेस। तो इन सभी को मैंने एक नॉर्मल एक कॉमन पीवी कर्व पे शो कर दिया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो आइसोबारिक कर्व है वो एक स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल लाइन है जिसका स्लोप जीरो है, फिर आइसोथर्मल कर्व उससे थोड़ी ज़्यादा स्लोपी आती है, फिर थोड़ा और ज़्यादा स्लोप बढ़ता है तो एडियाबेटिक प्रोसेस हो जाता है, और एकदम वर्टिकल जब स्ट्रेट लाइन हो जाती है तो वो आइसोकोरिक प्रोसेस हो जाता है। दोस्तों अगर हम बात आइसोबारिक और आइसोकोरिक प्रोसेसेस को हम इजीली ऑब्जर्व कर सकते हैं क्योंकि ये दोनों स्ट्रेट लाइन है, एक हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन है और एक वर्टिकल स्ट्रेट लाइन है। लेकिन अगर हम बात करें आइसोथर्मल और एडियाबेटिक प्रोसेस की, तो कि इन्हें कैसे समझेंगे कौन सा आइसोथर्मल है कौन सा एडियाबेटिक है, तो इसके लिए हम देख सकते हैं यहाँ पर कि जो एडियाबेटिक कर्व का स्लोप होता है वो गामा टाइम्स होता है आइसोथर्मल कर्व के स्लोप से। इसका मतलब एडियाबेटिक कर्व का स्लोप ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू आइसोथर्मल कर्व। तो इसी तरीके से हम पीवी डायग्राम में समझ सकते हैं कि कौन सा प्रोसेस एडियाबेटिक है और कौन सा प्रोसेस आइसोथर्मल। बेसिकली ये जो रिलेशन है कि एडियाबेटिक और आइसोथर्मल कर्व का स्लोप के रेशियो क्या होता है, कई बार इसे गेट क्वेश्चंस में भी और ईएस क्वेश्चंस में भी पूछा गया है। तो इस तरीके से दोस्तों आज हमारा जो बेसिक्स ऑफ थर्मोडायनेमिक्स था ये लेक्चर पूरी तरीके से ख़त्म हो जाता है, और इसके बाद हम नेक्स्ट लेवल पर चलेंगे जिसमें हम पढ़ेंगे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो उम्मीद करता हूँ आपको मेरा ये सेशन पसंद आया होगा। धन्यवाद।